हेलो दोस्तों, गेट स्मैशेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं IPv4 का हेडर। IPv4 का मतलब यहाँ पे क्या है? इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल, और ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। आज के टाइम पे हम सब लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और इंटरनेट पे हम वेरियस एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, तो उन एप्लीकेशंस के थ्रू हम मेजरली कर क्या रहे हैं, जैसे ईमेल्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, उनके थ्रू हम कर क्या रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू शेयर द डेटा। और वो जो डेटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में जो ट्रेवल होता है, उसके पीछे जो मेजर फोर्स है वो क्या है? IPv4, दैट इज इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल। और नेटवर्क लेयर पे ये काम करता है। हम उसका हेडर जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो ऑल्दो अभी हम IPv4 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है दैट इज IPv6। लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन जो है वो ज्यादा IPv4 पे ही आ रहे हैं। तो पहले मैं हेडर से पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। इट इज अ कनेक्शनलेस। IPv4 है क्या? IPv4 इज अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। मतलब अगर आपने सोर्स से डेस्टिनेशन डेटा भेजना है, पैकेट्स को भेजना है, तो इसने कोई कनेक्शन पहले क्रिएट नहीं करना। इसके जो इसको आप क्या बोल सकते हो? डेटाग्राम सर्विस। डेटाग्राम सर्विस का मतलब है कि यहां पे मेरे पास एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, और जो सोर्स है वो डेस्टिनेशन से अलग-अलग वे से कनेक्ट हो सकता है। ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। अब कनेक्शन लेस का मतलब है जैसे ही पैकेट्स यहां से ट्रेवल करेंगे कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा, कनेक्शन लेस है। और डेटाग्राम सर्विस का मतलब क्या होता है कि कोई भी रूट फॉलो हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्चुअल, इसके जो कंपैरेटिवली में जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? वर्चुअल पैकेट्स। वर्चुअल सर्किट के अंदर हम क्या करते हैं? पहले एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं, उस कनेक्शन के अकॉर्डिंग ही सारे पैकेट्स जो हैं वो फॉलो होते हैं। लेकिन डेटाग्राम सर्विस में कोई भी पैकेट कहीं से भी ट्रेवल हो सकता है, तो इसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी यहां पे लेस हो जाती है। रीजन उसका क्या है? हो सकता है रास्ते में कुछ पैकेट जो है वो मिस हो जाए, क्योंकि सारे बंदे जो है, सारे पैकेट जो है वो अलग अलग रूट से पहुंच रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे कोई कनेक्शन पहले नहीं बनाया। और कनेक्शन बनाने का मतलब क्या होता है? कुछ रिजर्व करना, बैंडविड्थ को, रिसोर्सिस को रिजर्व करना, ऐसा ये नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर कोई अपर लेयर कहती है, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर या पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन बोलती है कि मैं तभी डेटा ट्रांसफर करूंगी अगर पहले कनेक्शन बना होगा, तो फिर हम TCP वगैरह को यूज करते हैं। लेकिन अगर IPv4 itself की बात करें तो इसकी characteristic by default क्या है? It is a connectionless and datagram service। और कहीं से भी packet जो है वो travel कर सकते हैं और destination पे पहुंच सकते हैं। अब header का यहाँ पे मतलब header का significance क्या है? Use क्या है? Obviously हेडर क्या है यहां पे? एक तरह से जो डेटा पैकेट है, डेटा पैकेट में तो क्या होगा? डेटा होगा। आपने अगर किसी को लेटर पोस्ट करना है तो आप सिंपल एक लेटर जो है वो लिखोगे और क्या करोगे? कोरियर वाले को दे दोगे या पोस्ट ऑफिस में जाके दे दोगे। वो कहां होगा? वो कहीं नहीं पहुंच सकेगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पे हमने कुछ मेंशन ही नहीं किया कि मेरा एड्रेस क्या है, जहां पहुंचाना है वहां का एड्रेस क्या है, कैसे पहुंचाना है, ये तो पोस्ट ऑफिस वालों की अपनी सिरदर्दी है। लेकिन आपने एटलीस्ट ये तो मेंशन करना पड़ेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। वो एक तरह से क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एनवलप। तो एनवलप में हम सारा कुछ लिखते हैं, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ हेडर। तो हेडर बताता है कि पैकेट कैसे मूव करेगा, कैसे ट्रेवल करेगा, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक होंगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो IPv4 के हेडर में आती है। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये जो टोटल फील्ड्स है, यहां पे 14 फील्ड्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सॉरी टोटल 13 फील्ड्स हैं, जिनमें से आपकी जो 12 फील्ड्स है, मतलब इसको आप ऑप्शंस और पैडिंग को अगर हम हटा दें तो बाकी की सारी फील्ड्स जो है वो क्या है? मैंडेटरी है। और इसका जो टोटल साइज, मतलब इसको अगर हम, ये देखो मैंने सारा बिट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 बिट 4 बिट 8 बिट 16 बिट्स, इस तरीके से। तो अगर इन बिट्स को आप टोटल करोगे तो ये बिट्स कितनी बनेंगी यहां पर? 160 बिट्स। 160 बिट्स का मतलब क्या है? 20 बाइट। और यही यहां पे मेंशन किया हुआ है कि जो IPv4 का हेडर है वो मिनिमम कितने साइज का होना चाहिए? 20 बाइट का। और मैक्सिमम कितने का हो सकता है? दैट इज 60 बाइट। दूसरा, पेलोड। पेलोड का मतलब क्या होता है? प्योर डेटा जो अपर लेयर से आ रहा है, जैसे नेटवर्क लेयर से ऊपर कौन सी लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा आ रहा है उसका साइज कितना हो सकता है? मिनिमम 0, मतलब कोई भी डेटा नहीं आ रहा, कोई बाइट नहीं आई, या फिर कितनी हो सकती है? 65,515। तो
65,515 प्लस अगर उसमें मिनिमम आपका हेडर क्या है 20, तो इसको ऐड करोगे तो टोटल क्या बन जाएगा 65,535। और ऑब्वियसली ये क्या है 2^16 की वैल्यू है, तो यहां पे जो टोटल लेंथ कितनी होगी दैट इज 2^16 का पूरा डेटाग्राम, इसको हम बोलते हैं डेटाग्राम पूरे पैकेट को, तो वो डेटाग्राम जो है वो कितना हो सकता है 2^16, लेकिन उसमें से जो प्योर डेटा कितना हो सकता है मिनिमम 0 मैक्सिमम इतना, और हेडर जो है वो मिनिमम 20 मैक्सिमम इतना। अगर आप हेडर को 60 लोगे तो ऑब्वियसली पेलोड उसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। तो ये सिंपल सा पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अलग अलग फील्ड से। तो सबसे पहली फील्ड यहां पे क्या है, वर्जन, VER, दैट इज वर्जन 4 बिट। तो ये जो 4 बिट क्या है 0100, ये फिक्स वैल्यू है, मतलब 0100 का मतलब क्या है, बाइनरी में 0100 तो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा वैल्यू 4, और ये क्या डिनोट कर रही है IPv4, दैट इज वर्जन 4। अब जैसे चल रहा है IPv6, आपने बहुत जगह अगर आप चेक माई IP देखोगे, आप अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे चेक करोगे, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो चेक माई IP में देखोगे तो हो सकता है आपको अब 128 बिट का IP एड्रेस दिख रहा हो, दैट इज IPv6। तो IPv6 में ये वैल्यू जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगी 0101, मतलब जो भी हेडर जाएगा, मतलब ये क्या है एक तरह से इंजन है, इंजन का जो सबसे पहला पार्ट है, जैसे ट्रेन है, ट्रेन के जो डिब्बे हैं, ट्रेन के डिब्बे तो एक जगह पे खड़े ही रहेंगे, उनको चलाने के लिए क्या चाहिए, एक आगे इंजन चाहिए, तो इंजन क्या है यहां पे हेडर है, तो इंजन का जो सबसे पहला पोर्शन क्या है वर्जन, मतलब वो वर्जन दिखाता है जैसे ही ये किसी रास्ते में किसी के पास पहुंचेगा तो सबसे पहली बिट कौन सी रिसीव करेगा कोई बंदा, वो करेगा वर्जन, और वर्जन की पहली बिट देखते ही 0100 को वो क्या समझ जाएगा ये IPv4 का पैकेट है, तो ये 0100 आपको यहां पे याद रखनी है, दैट इज अ फिक्स वैल्यू। देन हेडर लेंथ, ये वैसे तो ये 4 बिट का है, तो 4 बिट का मतलब है ये 0000 से लेके 1111 तक हो सकती है, मतलब टोटल 16 वैल्यूज हो सकती है 0 से लेके 15 तक, लेकिन उन्होंने बाकी की रिजर्व की हुई है, जैसे 4 उन्होंने यूज कर लिया, 6 अभी यूज कर लिया, हो सकता है फ्यूचर में IPv8 आ जाए या 10 आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। देन हेडर लेंथ, हेडर लेंथ का मतलब है ये जो पूरा हेडर है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ का सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्वियसली जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो उसको पता होना चाहिए कि टोटल लेंथ अगर मेरी लेट से 600 बाइट मैंने रिसीव किए, 600 बाइट मैंने रिसीव किए, अब 600 बाइट में से कुछ डेटा तो क्या है हेडर है, तो हेडर तो सिंपल एनवलप है, मतलब उसको देखा निकाला और साइड पे किया, असली में तो क्या चाहिए आपको पेलोड चाहिए, डेटा चाहिए, तो उसको आपको पता लग जाएगा कि अच्छा हेडर लेंथ से आपको पता लग गया कि 20 बाइट का हेडर है, तो यानी 580 बाइट क्या है यहां पे प्योर डेटा है, मतलब इसको पता लगाने के लिए आपको हेडर लेंथ फील्ड जरूरी है, और इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब 4 बिट का है, तो क्या हो सकती है वैल्यू, अगेन ये वैल्यू क्या है आपकी 0000 से लेके 0001 करते करते आपकी लास्ट वैल्यू क्या होगी 1111, मतलब 0 से लेके 15 तक। अब यहां पे कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि मैंने अभी बताया कि जो हेडर का साइज है वो मिनिमम 20 होना चाहिए, तो 0 दिखा रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर 4 बिट का नंबर है तो मैक्सिमम वैल्यू 4 बिट में क्या हो सकती है 15 1111, तो फिर ये 20 का कैसे हुआ, एक्चुअल में यहां पे हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 मेथड, मतलब जो भी वैल्यू यहां पे आप लिखते हो उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। लेट से अगर मैं लेता हूं यहां पे कोई भी वैल्यू, यहां पे लेते हैं लेट से मैं लिया 0 1010, लेट से 1010 लिया, तो 1010 ये डिनोट कर रहा है क्या, डेसिमल में क्या बना 1010 इज अ 10 वैल्यू, तो 10 को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, क्या बन गया 40, मतलब हेडर आपका 40 बाइट का है, इस तरीके से आपको निकालनी है। तो ऑब्वियसली लार्जेस्ट नंबर क्या है 15, तो 15 इंटू 4 करोगे तो क्या होगा 60, इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू 60, लेकिन अब मिनिमम क्या है 0, 0 इंटू 4 करोगे तो क्या होगा 0, लेकिन ये तो मिनिमम 20 का होना ही चाहिए, उससे कम 19 भी नहीं चलेगा, तो यानी आपकी जो 0 वैल्यू है वो यूज नहीं होती, 1 वैल्यू यूज नहीं होती, 2 भी यूज नहीं होती, 3 भी यूज नहीं होती, 4 यूज होती है, बिकॉज 4 भी नहीं आपकी 5 यूज होगी, बिकॉज 5 इंटू 4 करोगे तो क्या होगा
20 होगा। तो यानी ये जो पहले वाली बिट्स हैं 0, 1, 2, 3 ये इनवैलिड है, ये हो ही नहीं सकती। अगर इनके हिसाब को क्वेश्चन में लिखते हैं तो आप मल्टीप्लाई 4 करके देखना उस वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करके, अगर वो 20 और 60 के बीच में आ रहा है तब तो वैलिड है, अदरवाइज आप क्वेश्चन के आंसर में क्या लिख सकते हो, इनवैलिड हेडर लेंथ। तो ये एक्चुअल में फंडा है आपका हेडर लेंथ का। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस जो है वो 8 बिट का फील्ड है, जिसको आज के टाइम पे हम बोलने लग गए डीएससीपी, विच इज अ डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट। लेकिन अगर हम बात करें IPv6 में तो उसमें आ गया ट्रैफिक क्लास, जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ सर्विस। तो टाइप ऑफ सर्विस में एक्चुअली हमारे पास है क्या, 8 बिट की फील्ड है, जिसमें हमारे पास जो पहली 3 है वो बताती है प्रेसिडेंस। मतलब अगर कोई पैकेट है उसमें कुछ प्रायोरिटी डिफाइन करनी है, या वो रूटीन का पैकेट है, या इमीडिएट पैकेट को सेंड करना है, तो इस तरीके की वैल्यूज जो है वो हम पहली 3 वैल्यू से डिफाइन कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या होगी, आइदर 0 या 1। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज DTRC, मतलब डिले थ्रूपुट रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट। अब होता क्या है, आज के टाइम पे हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, और उन एप्लीकेशंस में हम नॉर्मल डेटा के ट्रांसफर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी चाहते हैं, जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग। तो व्हाट्सएप कॉलिंग क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल VOIP। इसमें क्या है, हम इंटरनेट के थ्रू जो है वो बात कर रहे हैं, तो वहां पे अगर डिले ज्यादा होगा तो हमें मजा नहीं आता। और जनरली ऐसा होता है, हमें ज्यादा डिले की वजह से हम नॉर्मल कॉल करना ज्यादा पसंद करते हैं। उसका रीजन क्या है, नॉर्मल कॉल में तो हमारे पास डेडिकेटेड जो नेटवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसकी वजह से वो प्रायोरिटी जो है उसमें थोड़ी ज्यादा रहती है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसी सर्विसेज जहां पे हमें डिले कम चाहिए, तो हम इस वैल्यू को क्या रखेंगे, 1 कर देंगे। अगर हमें डिले से कोई लेना देना नहीं तो हम इसको सिंपली 0। नेक्स्ट है टी, विच इज अ थ्रूपुट। अगर हम चाहते हैं कि जो मेरा रेट ऑफ ट्रांसफर है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो वैल्यू 1 रखेंगे, अदरवाइज 0। नेक्स्ट रिलायबिलिटी, हम चाहते हैं कि पैकेट जो पहुंचे वो रिलायबिलिटी से पहुंचे। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, रास्ते में कोई पैकेट जो है वो ड्रॉप ना करे। अगर पैकेट ड्रॉप होंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा। जैसे फाइल ट्रांसफर करनी है, 1 MB की फाइल ट्रांसफर करनी है, और आपकी जो बीच में से 1 KB मिस हो गया, अब 1 KB मिस हो गया तो वो पूरी की पूरी फाइल जो है वो करप्ट हो जाएगी। वहां पे हमें रिलायबिलिटी हाई चाहिए, तो उसके लिए हम इन सर्विसेज को यूज करते हैं। कॉस्ट हम चाहते हैं कि मिनिमम से मिनिमम हो, मतलब हमारा जो मॉनिटरी कॉस्ट है वो कम से कम हो, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करे, तो उसके लिए हम 1 यूज करते हैं। अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, सिंपली अगर रूटीन में सेंड करना है तो 0। और लास्ट बिट जो है वो क्या कर दी, रिजर्व रख दी फ्यूचर पर्पस के लिए, जो बाद में यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे DSCP। DSCP यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो बाद में इसमें चेंजेस किए वो क्या किए कि 0 से 5, मतलब जो 6 बिट है वो DSCP के लिए रिजर्व कर दी, और जो बाकी के 2 बिट है वो ECN, दैट इज अ एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। मतलब इन 2 बिट की वैल्यू अगर 1 1 होगी तो ये क्या नोट कर रहा है, कंजेशन नोटिफिकेशन कि देयर इज अ कंजेशन, मतलब पैकेट को ड्रॉप किए बिना, अगर कंजेशन होता तो पैकेट को हम ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन ये पैकेट को ड्रॉप किए बिना एक नोटिफिकेशन भेजता है सेंडर को कि स्पीड थोड़ी कम करो, कंजेशन ज्यादा हो गया। ऑल्दो इसके लिए ICMP वगैरह सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये तभी चलता है अगर सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में पहले से ही राजी हो कि यस ये सर्विस हम यूज कर रहे हैं। तो रियल टाइम में सिनेरियो थोड़ा अलग है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा, तो आप इनको यूज कर सकते हो, ये काफी बार आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं। देन टोटल लेंथ, टोटल लेंथ फील्ड है हमारी 16 बिट की, जो मैंने पहले ही बताई है आपको। 16 बिट क्या डिनोट कर रहे हैं, 2^16, विच इज 65,535, क्योंकि 16 बिट में मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 65,535, और इसमें जो हेडर है वो इतना हो सकता है 20 से 60 का, और जो डेटा है वो प्योर इतना हो सकता है। तो टोटल लेंथ हेडर और पेलोड को मिक्स करके जो टोटल बनती है, दैट इज द डेटा ग्राम। देन आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग और फ्रेगमेंट, ये तीनों फील्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेगमेंटेशन का पार्ट है, इसको हम पूरी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहां पे इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे मैं एक सिंपल से पॉइंट से देता हूं, लेट्स से आपको किसी को कोरियर जो है वो करना है AC। अब AC कोरियर करने के लिए ऑब्वियसली हो सकता है कि आपने तो पूरा का पूरा AC पहुंचा दिया कोरियर सर्विस पे, कोरियर सर्विस वाले कहते हैं इतना बड़ा AC नहीं हम भेज सकते, हमारा जो नेटवर्क है वो छोटे छोटे, मतलब इतने इतने पार्ट्स को ही सेंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, AC को मतलब जैसे पैकेट्स को हम डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पैकेट्स में, फ्रेगमेंट्स, तो वही फ्रेगमेंट्स जो है वो हम सेंड करते हैं। अब आपने डिवाइड कर दिया AC को, लेट्स सपोज कि AC को आपने छोटे छोटे 8-10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अलग अलग जगह से भेज दिया। अब ऑब्वियसली आप चाहते हो कि जहां पे वो पहुंचे वही 8-10
पार्ट पहुंचने चाहिए, उन्हीं को प्रॉपर असेंबल करें, ऐसा ना हो किसी और बंदे का पार्ट पहुंच गया तो ऑब्वियसली वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो ये तीनों फील्ड जो है वो फ्रेगमेंटेशन में काम आती है। देन टाइम टू लिव, टीटीएल फील्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पैकेट लूप में फंस जाता है, डेटा में कुछ चेंज हो गया या फिर आपके जो डेटा के अंदर जो राउटर्स हैं उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो पैकेट कई बार लूप में फंस जाता है, तो वो तो कंजेशन क्रिएट कर देगा। जैसे हम कहते हैं कि स्पेस में कोई चीज अगर छूट जाए तो ऑब्वियसली वो स्पेस में घूमती रहेगी, तो यानी उसको कब निकालेंगे, वो ऐसे निकलेगी नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है हम नेटवर्क में ऐसा नहीं चाहते, तो उसके लिए हम टीटीएल फील्ड को यूज करते हैं। इसकी वैल्यू है 8 बिट, तो 8 बिट का मतलब है 256 टोटल, लेकिन 2^8 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज 255, बिकॉज जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, तो यानी मैक्सिमम 256 जो है वो नोड्स के पास एक पैकेट पहुंच जाता है। हर एक नोड पे जब वो पैकेट पहुंचता है तो एक एक वैल्यू कम होती रहती है, जैसे ही कम होके वो वैल्यू जीरो पे चली जाएगी उस पैकेट को ड्रॉप कर देंगे, मतलब ये पैकेट जो है लूप में फंस गया इस वजह से उसको ड्रॉप किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोटोकॉल, मतलब हाई लेवल एंड पे अपर लेयर से अगर कोई प्रोटोकॉल यहां पे यूज कर रहे हैं, मतलब TCP UDP को, SCTP को, अलग अलग प्रोटोकॉल्स ICMP IGMP, अगर हम उन प्रोटोकॉल की भी सेवाएं यहां पे ले रहे हैं, उन प्रोटोकॉल्स को भी यूज कर रहे हैं, तो उसमें इस फील्ड में हम मेंशन कर देते हैं कि TCP भी इसमें इन्वॉल्वड है या UDP इन्वॉल्वड है, तो वो मेंशन जो है एक लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि कौन-कौन सा जो प्रोटोकॉल है इन्वॉल्वड है अपर लेयर का। देन हेडर चेकसम, हेडर चेकसम जो है 16 बिट का है। हेडर चेकसम मतलब चेकसम हम जल्दी यूज करते हैं एरर डिटेक्शन के लिए, क्यों, क्योंकि अगर आपका ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके एनवलप के जो ऊपर जो एड्रेस लिखा है वो ही चेंज हो गया, ऑब्वियसली अगर एनवलप का एड्रेस ही चेंज होगा तो वो गलत जगह ही डिलीवर होगा, तो यही हम नहीं चाहते। तो हम क्या चाहते हैं कि रास्ते में जो भी नोड आ रही है, जो भी रास्ते में राउटर आ रहा है, वो हेडर का चेकसम निकाले और मैच करे जो चेकसम की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। अगर दोनों मैच कर रही है मतलब इंटीग्रिटी यहाँ पे कंसिस्टेंटली है, अगर मैच नहीं कर रही तो यानी कुछ चेंज हो गया, उसको ड्रॉप कर दो। ऑल्दो कुछ फील्ड जो है वो चेंज होती है, जैसे TTL है वो चेंज होता है हर बार, तो ये कुछ फील्ड्स को उठा के ही उसका चेकसम जो है वो कैलकुलेट करता है। देन सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है, ये तो एक्चुअल में एड्रेस है 32 बिट का। तो जैसा कि मैंने पहले बताया IPv4 में हम 32 बिट का एड्रेस यूज करते हैं, लेकिन इतने यूजर्स हो चुके हैं, बिलियंस में यूजर हो चुके हैं, तो ये जो नेटवर्क है, ये जो एड्रेसेस हैं, ये क्या हो सके, सारे के सारे यूज हो चुके हैं, क्योंकि कुछ इन्होंने रिजर्व करके रखे हुए थे, तो अब IPv6 को यूज करते हैं जहां पे 128 बिट का हम यूज करते हैं। देन ऑप्शंस एंड पैडिंग, ऑप्शंस एंड पैडिंग भी हम यहां पे यूज करते हैं कि एक्स्ट्रा डेटा अगर हमें लगाना है, जैसे अगर पैकेट जो है वो 32 बिट की मल्टीप्लिकेशन में ही होना चाहिए, मतलब 32 बिट की मल्टीप्लिकेशन में अगर नहीं है तो हम एक्स्ट्रा बिट उसमें ऐड करते हैं या ऑप्शंस की वैल्यू हम ऐड करते हैं। होता क्या है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके कि इन फील्ड्स का मतलब क्या है। तो इस वीडियो में एक बेसिक इंट्रोडक्शन में लेके आया हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.